नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे आपको पता चला होगा कि एनटीए ने थोड़ी अनएक्सपेक्टेड एग्जाम डेटा वो डिक्लेयर कर दी है, बट अब डिक्लेयर कर दिए तो 5 जून को आप लोगों का एमएससी मैथमेटिक्स का पेपर होना है और बाकी लोगों के 5 से 17 जून के बीच एग्जाम होने हैं। तो जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आया या एग्जाम डेट का शेड्यूल आया, सब लोग घबरा रहे हैं, थोड़ी हड़बड़ाहट सी दिख रही है। बार बार मैसेज आ रहे हैं, सर एग्जाम डेट आ गई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, बिल्कुल भी नहीं घबराना, आपको एकदम से शांत रहना है। जो सफिशियंट टाइम आपके पास है उसमें अगर आप शांति से थोड़ा सिस्टमेटिक वे से काम करेंगे तो थोड़ा आउटपुट आपका अच्छा हो सकता है। और घबराएंगे तो जो चीजें आपको आती है, जो आपने पढ़ा है उसके चक्कर में जो नहीं आ रही है उन पे ध्यान देंगे तो जो आ रही है वो भी गलत हो जाएगी। इसलिए जो नहीं पढ़ा है, नहीं आ रहा है, उसको छोड़िए, जो पढ़ा है उसको और अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि जो आ रहा है उसको तो अच्छे से कर पाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि जो नहीं आ रहा है उसके चक्कर में जो आ रहा है वो भी गलत हो जाए। तो ऐसी हड़बड़ाहट से आपको बचना है। सबसे पहले तो शांति से अपने एग्जाम डेट है वो सिटी चेक कर लीजिए कि जिस भी सिटी में आपका एग्जाम है उस पे आप कंपेटेबल हैं, जाने में कितनी दूरी क्या है, और शांति रखेंगे तो बहुत अच्छा पेपर होगा। क्योंकि सबकी तैयारी एक जैसी, आप इस चीज को मान के चले कि सबकी तैयारी एक जैसी, बिकॉज सबके लिए सफिशियंट टाइम है, सभी को इतना टाइम मिला है, किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला है। और सब लोगों ने बीएससी के एग्जाम दिए, हो सकता है कुछ कैंडिडेट जिन्होंने बीएससी फाइनल लास्ट ईयर कर ली हो, उनके 1 साल का गैप है, तो आप ये सोचिए उनके तो 1 साल का गैप है, फिर वो लोग भी आपके बराबर ही हैं, तो आपको तो इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। तो ज्यादा घबराएं नहीं, बिल्कुल भी एकदम शांति रखें, सभी के एग्जाम है, सभी को सफिशियंट टाइम मिला है। और जो टॉपिक आपने पहले नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ने की कोशिश भी मत करिए, उसको छोड़ दीजिए। जो टॉपिक या सब टॉपिक आपने कोई पॉइंट छोड़ दिया उसको छोड़ दो, मत पढ़ो। जो पढ़ा है उसको रिविजन कीजिए, आपने अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाए हैं उनको देखिए। दूसरी चीज, अगर आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है तो ऐसे मान के चलिए उससे 1 या 2 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने, तो उन 1 2 क्वेश्चन के चक्कर में जो आपने पढ़ा है उसको तो मिस नहीं करना है ना, तो उनको अच्छे से रिवाइज करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अपना एग्जाम डेट टाइम चेक कर लें, रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंचे, उसमें देखें कि 8:30 से 10 लिखा, आपको कितने बजे तक पहुंचना है। क्योंकि लास्ट टाइम की जो हड़बड़ाहट होती है ना वो बहुत बेकार होती है, वो आपके लिए पूरी तैयारी को ऐसे व्यस्त कर सकती है। तो इसलिए शांति सबसे इंपॉर्टेंट है, आप एकदम से शांत रहेंगे, कीप काम रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो अपना एग्जाम डेट चेक कर लें, सिटी सेंटर चेक कर लें जहाँ पे भी है, और टाइम पे वहां पे पहुंचने की कोशिश करें। और कौन सा टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे रिवीजन करना है, उन सब के अपन बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको शांति रखनी है और जो चीज पढ़ रखी है उसको बार बार रिवाइज करें। कुछ जो चीज, जैसे मान लो आपने कोई किसी टॉपिक के सब नोट्स बनाए थे कि इसको मैं लास्ट टाइम पे देख लूंगा, तो वो नोट्स अभी आप जरूर देखें क्योंकि वही आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। जैसे आपने कोई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कुछ चीज पढ़ी, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखे थे, तो आपने उनको एक साइड लिखा होगा, तो आप उनको नोटिस उन चीजों को रिवाइज करने के तैयार करें। तो अब अपन बात करते हैं कि आपको अभी कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सा टॉपिक स्कोरिंग है उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और प्रैक्टिस कैसे करनी है अभी लास्ट टाइम पे, ताकि आपको एग्जाम से ऐसे नहीं लगे कि हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करें। एक सेकेंड, तो अभी अपन बात करेंगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए, और जो चीजें आपने पढ़ रखी है उनको रिवाइज करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि जो पढ़ा है वो रिवाइज होना चाहिए, जो नहीं पढ़ा या छोड़ दिया उसको पढ़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि उससे 1 या 2 क्वेश्चन आने, और वो 1 2 क्वेश्चन सभी को नहीं आने, आपको अकेले नहीं, सब किसी को भी नहीं आएंगे। तो उससे पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपके पास 75+25 है, तो जरूरी आप 5 क्वेश्चन छोड़ दो। जो टॉपिक, सपोज दैट किसी ने एक टॉपिक छोड़ रखा होगा, किसी ने 2 छोड़ रखे होंगे, तो 10 क्वेश्चन हटा दो यार, उसके अलावा भी आपके पास 65 क्वेश्चन बचते हैं। उनमें से भी अगर आप 55 कर देते हैं, 50+ कर देते हैं, तब भी कोई नहीं रोकने वाला आपको। तो इसलिए सबकी तैयारी सेम है, बस ध्यान ये रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हड़बड़ाहट के चक्कर में आपके नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव से बिल्कुल भी बचना आपको, क्योंकि नेगेटिव आपके लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं, तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग से ध्यान रखना है। और जो पढ़ा है उसको रिवाइज, बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है। तो अपनी लास्ट 4 डेज की स्ट्रेटजी की, अपन को क्या तो पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स क्या, रिविजन स्ट्रेटजी की बात करें तो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े मैं लागू, तो जो पढ़ा है वापस उसी को रिवाइज करें। और रिविजन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2020, 2021, 2022, जो कि मैं बार बार बोलता हूँ, ये 3 पेपर आप सोल्व करने के ट्राई करें। 2020 और 21 की पीडीएफ है सॉल्यूशन के साथ, वो एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन पे आज शाम तक अपलोड हो जाएगी। 2022 के सॉल्यूशन है वो पीडीएफ के साथ अवेलेबल है, वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इनको भी आप
आज या कल तक अपलोड कर दें। और इन तीनों पेपर को सोल्व करने का जो टाइमिंग है वो आप सुबह 8:30 से 10:30 ही रखें, ताकि आपकी एक एग्जाम साइकिल बन जाएगी कि हाँ इस टाइम पे मेरे को पेपर देना है, इस टाइम पे आपको एनर्जेटिक होकर पूरा काम करना है। तो 8:30 से 10:30 के टाइम पे ही इन तीनों पेपर को आप सोल्व करें, और 4 तारीख को सुबह थोड़ा बहुत देख लें, उसके बाद एकदम से रिलैक्स रहें। तो आपके पास ऐसे मान के चले कि 2, 3, 4 और आज का दिन है, तो आज अपने से अच्छे से रिवाइज कर लें, जो टॉपिक पढ़ रखे उनको, और ये तीनों पेपर तो आप जरूर सोल्व करके जाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो इन पेपर के क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप @एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स से पूछ सकते हैं, अपना डिस्कशन ग्रुप है वहां पे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो यही बात मैं आपको बार बार बोलूंगा कि 2020, 21, 22 तीनों पेपर सोल्व करने। और स्कोरिंग टॉपिक की बात की तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि LPP प्लस OD प्लस कॉम्प्लेक्स प्लस वेक्टर कैलकुलस। अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया इनमें से तो ठीक है, छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आपने पहले से ये सब पढ़ रखे हैं तो इनको एक बार जरूर रिवाइज करें। रिवाइज करना बहुत जरूरी है, इन टॉपिक को रिवाइज करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस, बाकी सब तो पढ़ने पढ़ना है, बट ये टॉपिक आपकी रिविजन होनी चाहिए, क्योंकि ये 100, मतलब ऐसे मान के चलूंगी मैं कि 100+ मार्क्स या 120, 130+ मार्क्स को कवर करने वाला टॉपिक है, तो इन टॉपिक का एक बार रिवीजन जरूर करें, क्योंकि आपके पास सफिशियंट टाइम अभी 4 दिन है, 4 दिन में ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो सकते हैं। तो इनको जरूर देखें, इनके सारे फॉर्मूला जो भी चीजें आपने पढ़ी है वो सब देखें, और ये तीनों पेपर सोल्व करें। तो इतना काम कर लेते हैं और आपने जो पहले से पढ़ा है वो रिवाइज कर लेते हैं, तो ये बेस्ट होगा कि इस टाइम पे इतना आप रिकॉल कर पाए, क्योंकि लास्ट टाइम बच्चा है हड़बड़ाहट में ही टाइम निकल जाता, पता नहीं चलता, आप बिना पढ़े ही पूरा टाइम वेस्ट कर देंगे, तो वो अच्छा नहीं है। और ऐसे सोचना बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी तैयारी अच्छी है, उसकी तैयारी कैसी है, और उसने तो सब पढ़ रखा है, उसका कोई मैटर नहीं करता, ना ही अपन को उस चीज पर फोकस करना है। और जो नहीं पढ़ा है ना, उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो कि मैंने वो नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, जो पढ़ा है वो तो रिवाइज होना चाहिए, वो ध्यान होगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए मेरा आपको यही है कि LPP वेक्टर OD ये वाला टॉपिक आप एक बार रिवाइज करके जाएं, और ये तीनों पेपर जरूर देखें, ताकि आपके लिए थोड़ा सा फायदेमंद हो लास्ट टाइम पे। और अपने एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन पे जो फुल लेंथ टेस्ट है वो कल एग्जाम के टाइम के अकॉर्डिंग ही अपलोड होगा, और उसका सॉल्यूशन भी आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, तो इसके लिए भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सो आई होप कि आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी और थोड़ा शांति देगी, तो बढ़िया से रिवाइज करें, बढ़िया से पढ़ें, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें, अपने एग्जाम सिटी सेंटर वो सब जरूर चेक कर लें, उसमें जो जो मेंशन नोटिफिकेशन है या जो इंस्ट्रक्शन है उनको एक बार पढ़ें, और सबकी प्रिपरेशन एक जैसी है, आपसे अच्छी किसी की प्रिपरेशन नहीं है, आपने पहले से बहुत अच्छा पढ़ा है तो आप एकदम से अच्छा कर पाएंगे, और बिल्कुल बाकी लोग उस बारे में सोचना भी नहीं है, सब किसी ने को कुछ नहीं आता, किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, सबके तो बीएससी के एग्जाम चल रहे हैं, पढ़ेंगे कहाँ से, तुम लोग तो बहुत ज्यादा पढ़ रखे हो, तो इसलिए तुमको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। सो आई होप कि आप सब लोग 4 दिन बढ़िया शांति से पढ़ेंगे, कोई भी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। सो थैंक यू।